जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। आज हम जिगमोहन बोलोग्रा का बोल्डिंग मोन का जो चैप्टर वाइज हम इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं उसका चैप्टर वन का पार्ट टू आप के सामने है। लेक इन हिमाचल, इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया गया है और जितनी भी लेक है हिमाचल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो इस बुक में दी गई वो सारी एक्सप्लेन की गई है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एमसीक्यू एग्ज़ाम के लिए वो सारे मैंने इस वीडियो में आपके लिए तैयार करके। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड फर्स्ट है गोविंद सागर। गोविंद सागर जो लेक है फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड लेक है। और इस जो ये जो लेक है ये ही बिलासपुर में है। और इसके ऊपर जो भाखड़ा डैम बनाया गया है और जो रिवर है वो है सतलुज रिवर। और ये जो भाखड़ा डैम है फ्रेंड्स ये वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। एंड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही डिस्क्राइब दिस लेक एज ए न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पुन उत्थान का एक नया मंदिर इस लेक को उन्होंने बोला था। मतलब इस डैम को, नॉट लेक इस डैम को, ये इम्पोर्टेंट है आप याद रखिए। और ये जो गोविंद सागर लेक है ये है स्लेपर एंड भाखड़ा विलेज। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 88 किलोमीटर। और जो कंट्री हमारे इंडिया की लार्जेस्ट फिशिंग पॉइंट भी इसको बोला जाता है। और फिशिंग पॉइंट तभी जहाँ पे जो बिलासपुर में सीमेंट फैक्ट्री उसकी वजह से बहुत सारा जो सिलेट है वो सतलुज रिवर पे आ जाता है, इसलिए वहाँ पे जो फिशिंग है वो अच्छे से मतलब फीडिंग की जाती है। गडासर लेक, गडासर लेक है चंबा में। इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर है। नेक्स्ट है फ्रेंड खजियार लेक। खजियार लेक सबको पता होगा चंबा में है। 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है और 1 किलोमीटर वाइड मतलब चौड़ी है। और इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, सबको पता है। लेकिन इसको मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा, कब कहा, ये इम्पोर्टेंट। मिनी स्विट्जरलैंड फ्रेंड्स को नाम दिया गया था स्विस इनवॉय। पाकिस्तान नेम बहुत बड़ा है आप देख लेना, विली प्लेजर। और इसको कब दिया गया था, 7 जुलाई 1992। एंड उसने वहाँ पर खजियार में एक पोर्ट लगाया है और उसके ऊपर ऑफिशियली डिक्लेयर किया है मिनी स्विट्जरलैंड। कब किया है, 1992, ये इम्पोर्टेंट है। और उस टाइम जब ये डिक्लेयर हुआ उस टाइम ये 160 टूरिस्ट स्पॉट बना था। और जो इसका डिस्टेंस है एक्चुअल स्विस कैपिटल, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड उसकी कैपिटल बर्न से, वो है 6194 किलोमीटर। फ्रेंड एंड नेक्स्ट है लामा लेक। लामा लेक है चंबा में, सबको पता होगा। ग्रुप ऑफ 7 लेक, 7 झीलों का समूह भी इसे कहा जाता है। अल्टीट्यूड 3962 मीटर, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं तो। और ये फेमस फॉर लोकल गद्दी ट्राइब, ये भी इम्पोर्टेंट है। गद्दी ट्राइब के लिए कौन सी लेक फेमस है, तो लामा लेक याद रखना चंबा में। ऐसे भी गद्दी के लिए चंबा फेमस है। और जो ये गद्दी ट्राइब है वहाँ पे विजिट करते हैं जब जन्माष्टमी होती है अपनी प्रेयर पूरी करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड मणि महेश लेक। मणि महेश चंबा में, सबको पता भरमौर। और ये जो लेक है ये है जो हमारी देवी है काली माता, उसके लिए ये लेक बहुत फेमस है। और जो अगस्त और सितंबर में मतलब वहाँ पे एक मेला लगता है महाकाली लेक। महाकाली लेक फ्रेंड चंबा में है। और ये जो लेक है ये जो खजियार लेक है उससे भी बड़ी है और मणि महेश लेक से भी और बड़ी है, ये इम्पोर्टेंट। मणि महाकाली लेक कई बार आ गया कि जो ये चंबा की लेक है 2-3 लेक दे देंगे और ये सबसे बड़ी है, सबको लगा कि खजियार लेक है महाकाली। इसको याद रखने के लिए महा, महा मतलब बड़ा, काली बस ये याद रखने के लिए जस्ट। फिर है चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप लेक फ्रेंड चंबा में ही है। और ये जो धौलाधार रेंज है उसकी हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाली लेक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है।
डल लेक। डल लेक फ्रेंड कांगड़ा में है, ये आपको पता ही होगा। सिचुएटेड नियर रिकार्मर और बल्लनधार, ये कोई बल्लनधार है वहाँ पे, ये डल लेक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी धार है। टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड द्रिवेश्वर बिल्ड बाय सगा अगस्त्य, ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो वहाँ पे जो टेम्पल है डल लेक में, वो किसको किसने बनाया है और किसको डेडिकेटेड है। और 15 डेज जन्माष्टमी फेयर लगता है, और इसको और नाम से जाना, उसको बोलते हैं भागसू नाग लेक, इसलिए डल झील को भागसू नाग लेक भी कहा जाता है। करेरी लेक, करेरी लेक फ्रेंड कांगड़ा में है, ये जस्ट आपको याद रखना, कोई इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं। मछियार लेक, मछियार लेक फ्रेंड दो है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक मछियार लेक कांगड़ा में है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मुमता विलेज एक नाम है कांगड़ा में वहाँ पे है, और ये नेचुरल लेक है, ये याद रखें नेचुरल है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और कुम्हारवा लेक, कुम्हारवा है मंडी छछियोट, ये तहसील है मंडी की, वहाँ पे है। रिवालसल रेक, रिवालसल रेक फ्रेंड्स मंडी में है, इसको फ्लोटिंग आइलैंड भी कहते हैं, लेकिन तैरता हुआ टापू जिसे बोलते हैं वो भी कहा जाता है, और ये रिलेटेड है पद्म संभव। लेक इज आल्सो एसोसिएटेड विद नांग कल्ट और सरपेंट वर्शिप, ये नांग की पूजा के लिए, उसके लिए भी ये झील बहुत फेमस है, और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उसे ये पद्माचन भी कहते हैं। पद्माचन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ऐसी लेक जिसके सेंटर में लोटस प्रेजेंट है। लोटस आपको पता ही होगा फ्लावर होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है इसकी, ये जो पद्माचन है इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। मच्छियार लेक फ्रेंड ये दूसरी है, ये है मंडी में जोगिंदर नगर में, और ये जो है ये है नियर उहल, उहल जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे है। और ये जो मंडी वाली मच्छियार लेक ये फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो बैसाखी मेला लगता है वो लगता है फ्रेंड हर साल। आगे है कुंत बियोग, कुंत बियोग मंडी में है। कालासार, कालासार भी मंडी में है, और रिवालसर टॉप, रिवालसर टाउन की मंडी जिले में ये लेक प्रेजेंट है। पराशर लेक, पराशर लेक मंडी में है, वहाँ पे एक जो टेम्पल है ये पैगोडा स्टाइल में है, बिरकू दाशर एंड सरेवुल सर कुल्लू, यह कुल्लू में, ये तीनों है ये कुल्लू में है। जो फ्रेंड सरेवुल सर ये सिचुएटेड है जलोरी पास इन कुल्लू। अब इससे हमारे को ये भी याद रखना है जो जलोरी पास है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है कुल्लू में, यहाँ से हमारा ये भी एक पास तैयार हो जाता है। बाकी जो दशहर है दशहर पास ही है, रोहतांग पास के पास है। जो चंद्र नाहन लेक है वो है शिमला चांसल पीक में, और पाबर रिवर जो है शिमला की वो ओरिजिनेट होती है चंद्र नाहन लेक से। बाकी तानू जुब्बल लेक, तानू जुब्बल लेक है नियर नारकंडा, ये इम्पोर्टेंट है कि कई बार दे देंगे जैसे चंद्र नाहन लेक, तानू जुब्बल लेक मैच करने को कि ये कौन सी नदी से यहाँ से ओरिजिनेट होती है। बाकी करेरी लेक, करेरी लेक शिमला में, साइज ऑफ पीक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अन्नाडेल ग्राउंड, अन्नाडेल पता ही होगा सबको, शिमला में है। नाको एंड सरोंग जी, नाको एंड सोरंग जो किन्नौर में है, और जो नाको झील है फ्रेंड्स वो है स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है, इसलिए आपको याद रखना, और इसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। रेणुका झील ये सबको पता ही होगा, हिमाचल की बिगेस्ट नेचुरल वाटर लेक, एंड ये परशुराम और ऋषि जमदग्नि से झील मतलब इसका जो रिलेशन है उससे जुड़ा हुआ है, और एवरी ईयर नवंबर के महीने में यहाँ पे फेस्टिवल होता है। और ऐसे जो ये रेणुका फेयर है ये फ्रेंड जो दिवाली होती है दिवाली के ठीक 10 दिन बाद ये मेला लगता है कार्तिकेय महीने में। सुकेती लेक आल्सो सिचुएटेड इन सिरमौर नियर शिवालिक फॉसिल पार्क। सुखसागर लेक ये मंडी में है रेवालसर टाउन में। मंतलाई लेक कुल्लू में है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पार्वती रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोर्स ऑफ पार्वती रिवर कौन सी लेक है, बनतलाई लेक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। श्री गिंदुगुल लेक यह है कुल्लू में, इसमें कोई ज़्यादा और इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। सूरज ताल उन्माव सुलेख यह है फ्रेंड्स
लाहौल स्पीति में, और भागा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसलिए भागा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट है याद रखना है, लाहौल स्पीति से। चंद्रताल लाहौल स्पीति में, ऐसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। और ये इसका जो मैन फ्रेंड, ये चाइनीज पिलग्रिम जो थे यानचिंग तीन संग, जो उन्होंने इस लेक को लोहित्या सरोवर लेक भी कहा था। बाकी है पोंग लेक, ये कांगड़ा में है और ये आर्टिफिशियल लेक है, और ये ब्यास रिवर पर है। इसके ऊपर जो डैम बना था पोंग डैम, वो बना था 1960 में, और 1983 में इस लेक को डिक्लेयर करा था एज सेंचुरी एंड आल्सो नाउन एज महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा महाराणा प्रताप सिंह के नाम से भी ये झील जानी जाती है। पंडोग लेक मंडी में, ये भी आर्टिफिशियल है। चमेरा लेक, ये भी फ्रेंड्स मंडी में है, ओ चमेरा लेक चंबा में है सॉरी, एंड इसे आर्टिफिशियल लेक है, और ये नियर रापी रिवर पे है। फ्रेंड ये सारी जितनी भी लेक हैं, सारे एग्जाम जो हिमाचल में होते हैं उसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर जो जिसमें कोई भी झील पूछी हो वो देख सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी अगले हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड करेंगे। और फ्रेंड्स बाकी देखते रहिए प्रोविडेंट स्टडी। सो फ्रेंड्स जय हिंद, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।